हे गाइस, आई होप आप सभी एक्टिव हो। एंड तो क्या आप सभी जानते हो भीष्म महाराज शांतनु के कौन से पुत्र थे? माता गंगा ने भीष्म के सातों भाइयों को नदी में प्रवाहित क्यों किया? एंड महारानी सत्यवती के कितने पुत्र थे? जानना है तो वीडियो में बने रहें, तो वीडियो को शुरू करते हैं। भीष्म महाराज शांतनु के 8वें पुत्र थे। एंड महाराज शांतनु के 8वां पुत्र वसु थे, जो कि महर्षि वशिष्ठ द्वारा दिए गए श्राप के कारण ऐसे थे। उनका श्राप यह था कि वे जीवन भर दुखी रहेंगे। इस दुखी से मुक्ति दिलाने के लिए माता गंगा ने भीष्म के सातों भाइयों को नदी में प्रवाहित कर दिया, ताकि वे अपने दुखों से मुक्ति पा सकें। एंड जब 8वें पुत्र भीष्म की बारी आई, तब महाराज शांतनु से पुत्र मोह के द्वारा रहा नहीं गया और उन्होंने माता गंगा को रोक दिया और कहा कि मैं इसे नदी में प्रवाहित नहीं करने दूंगा। इस पर माँ गंगा ने कहा कि ठीक है, पर मैं इसे अभी अपने साथ ले जा रही हूँ। जब यह युवावस्था का हो जाएगा तो मैं इसे आपको सौंप दूंगी। और माता सत्यवती के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े वेदव्यास थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की। और हस्तिनापुर की वंशावली विचित्रवीर्य से आरंभ होती है, जबकि वे 2 भाई थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जो कि चित्रांगद युद्ध में गंधर्वों के हाथों मारे गए थे, इसलिए वंशावली विचित्रवीर्य के पुत्रों ने शुरू की। एक बात और, पिछली वीडियो मैंने जिक्र किया था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था महाभारत में जिसका गुणगान स्वयं श्री कृष्ण करते थे, वो थे अंगराज कर्ण। अब नाम से समझ में आ गया होगा कि वह कितने महान, सर्वश्रेष्ठ एंड उत्तम विचारों के थे। वे स्वयं पितामह भीष्म के तुल्य थे। तो गाइस, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।